अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर आए हैं कराची, कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी। मुजाहिद कॉलोनी में ये उस्ताद है। उस्ताद क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद यासिर। थोड़ा ऊपर तो देखो भाई, आशिर ये मोहम्मद यासिर भाई है हमारे। बहुत ज़बरदस्त इनका ये मगज़ और कलेजी और कढ़ाई बड़ी मशहूर है इनकी। आज हम आपको दिखाते हैं कि यासिर भाई जो है ना मगज़ कैसे बना के हमें खिलाते हैं। यासिर भाई मगज की तैयारी पकड़ ली आपने? जी भाई। अच्छा, तो क्या क्या जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर भजन गरम मसाला है, काली मिर्ची है, हरी मिर्ची है, मगज है, गुड़े है। अच्छा, तो अभी आप हमारे को क्या खिलाओगे ये बताओ। मगज खिलाओगे, खाली गुर्दे बना के खिलाओगे और किस चीज़ की खिलाओगे ये बताओ? मिक्स करके खिलाएंगे। अच्छा भाई, ये यासिर भाई का चूल्हा है छोटा सा, ये इनका ठेला है। कराची में इनकी दुकान है, जिस भाई को आना हो यासिर भाई का एड्रेस मैं आपको जो है ना डायरेक्शन में मेंशन कर दूंगा। जिस भाई को आना हो इधर डायरेक्ट इनके पास आ सकते हो। ये हमारे सदीक भाई है, सदीक लाला, ये बहुत फरमाइश से हमारे को लेकर आया। लाला ये बड़ी फरमाइश करके लेकर आए, बोल रहे बड़ी प्यारा इनका मगज़ है, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म से। तो बड़ी दूर से हम आए नॉर्थ नाजमाबाद से इनके पास, आज देखते हैं कि कैसा टेस्ट देते हैं। ये देखें, ये जो है ना ये कढ़ाई बन रही है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई का ऑर्डर दिया हुआ है यासिर भाई को, और दिया हुआ है एक में बनेगा यहाँ पे बकरे का मगज़। तो बकरे का मगज़ आपको बनाते हुए दिखाएंगे पूरा। ये इसमें चला गया बकरे का मगज़। यासिर भाई कितनी देर में बनेगा मगज़? 10-12 मिनट लगेंगे इसमें भाई, 10-12 मिनट लगेंगे इसके अंदर। और जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको रोक के आपको दिखाता हूँ। ताज़ा बिल्कुल फ्रेश माल। इधर बकरा गिराते हैं, दिमाग निकालते हैं पहले उसका और फिर इधर बना के देते हैं। अच्छा रेडीमेड आता है, चलो रेडीमेड बकरा रेडीमेड आता है। अच्छा नहीं नहीं इंशाल्लाह, आपकी तारीफें तो बहुत सुनने को मिल रही है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएगा। यार खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ये मिर्चें डल गई हैं इसके अंदर कढ़ाई में। हाँ, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है यासिर भाई, बस अभी इंतज़ार है। ये अदरक चला गया इसके अंदर। और सदीक भाई चलो सही है, आपको जो है ना फिर बना के दिखाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। जब यासिर भाई पूरा बना लेंगे दमाग के मगज तैयार करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसा जायका है। दिखने में तो माशाल्लाह बड़ा ही भरपूर लग रहा है। और ये हमारी कढ़ाई और मगज बन कर आ गए, अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे सदीक लाला। हाँ भाई सदीक लाला, क्या पोजीशन है आपको तुम देगा? ये हुआ ना। और कढ़ाई तो चेक नहीं करी। ये हमारी कढ़ाई बन के आई है और जनाब ये मगज है। हाँ सदीक लाला, कढ़ाई की क्या पोजीशन है? मगज A1 बना हुआ है, कढ़ाई चक के बताएं। चले सही है, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म।